इंडिया में मारुति कंपनी की कितनी गाड़ियां हैं फिलहाल मौजूद जो हैं और वो कौन कौन सी हैं, तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे उनकी कीमत, उनमें कौन सा इंजन है और उनके टायर का साइज क्या है। तो इस वीडियो में जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। मारुति अल्टो 800 ये 5 सीटर हैचबैक कार है और इंडिया में पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें 0.8 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 47.3 bhp की और गाड़ी के टायर का साइज 12 इंचेस का है। अब जानते हैं गाड़ी की कीमत की, जो है 2,94,000 रुपये से लेकर 4,36,000 रुपये तक की। मारुति एस्पेरेसो ये भी 5 सीटर कार है और इंडिया में पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है और दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में ऑटोमेटिक और मैनुअल में। इस गाड़ी में 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 67 bhp की और गाड़ी के टायर का साइज है 13 इंचेस का। गाड़ी की कीमत 3,70,000 रुपये से लेकर 5,13,000 रुपये तक की। मारुति ईको एक 5 और 7 सीटर मिनीवैन कार है और इंडिया में पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 72 bhp की और गाड़ी के टायर का साइज है 13 इंचेस का। गाड़ी की जो कीमत 3,80,000 रुपये से लेके 4,95,000 रुपये तक की है। फिर आइए मारुति सेलेरियो, काफ़ी अच्छी कार है और पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है और गाड़ी में दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और ऑटोमेटिक और मैनुअल का। इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 67 bhp की। जो आपको एस्पेरेसो में मिलता है वही बिल्कुल सेम इंजन। इस गाड़ी के टायर का साइज है 13 इंचेस का और कीमत है 4,41,000 रुपये से लेकर 5,68,000 रुपये तक की। फिर आइए मारुति वैगनार एक 5 सीटर हैचबैक कार है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में और सिलेरियो के बेस वेरिएंट में सिर्फ 4,000 रुपये का फ़र्क है और पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है और दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें 1.0 और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि इस गाड़ी में पेट्रोल के दो इंजन का ऑप्शन मिलता है, एक 1.0 और एक 1.2, और जो पावर है 1.0 वाले की 67 bhp की और 1.2 वाले की 82 bhp की। गाड़ी के टायर का साइज है 14 इंचेस का। कीमत है 4,45,000 रुपये से लेके 5,94,000 रुपये तक की। फिर मारुति इग्निस एक 5 सीटर कार है और पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है। मारुति की सभी गाड़ी इंडिया में पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इस गाड़ी में दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर 82 bhp की। गाड़ी के टायर का साइज है 15 इंचेस का। कीमत है 4,89,000 रुपये से लेकर 7,19,000 रुपये तक की। फिर आइए मारुति सेलेरियो एक्स। ये गाड़ी बिल्कुल सेलेरियो जैसी ही है लेकिन इसका स्पेशल एडिशन है एक्स। इसमें कलर अलग मिलेगा और इसका बेस वेरियंट से ही आपको VXi वेरिएंट मिलता है। ये गाड़ी बिल्कुल सेम इंजन जैसे पेट्रोल के और दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन जिसकी पावर है 67 bhp की। गाड़ी के टायर का साइज भी सेम है 14 इंचेस के, लेकिन गाड़ी की कीमत उससे ज़्यादा है जो कि 4,90,000 रुपये से लेकर 5,67,000 रुपये तक की है। फिर आइए मारुति स्विफ्ट भी 5 सीटर हैचबैक कार है लेकिन बड़ी हैचबैक कार है और पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में ऑटोमेटिक और मैनुअल में। इस गाड़ी में भी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। इसकी पावर 82 bhp की। गाड़ी के टायर का साइज है 15 इंचेस के। कीमत है गाड़ी के 5,19,000 रुपये से लेके 8,02,000 रुपये तक की। मारुति सुजुकी बलिनो
बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक कार है और पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें भी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर स्विफ्ट से ज़्यादा है, जो कि 88.5 bhp की है। गाड़ी के टायर का साइज है 15 इंचेस के और गाड़ी की कीमत 5,63,000 रुपये से लेके 8,96,000 रुपये तक की। फिर आइए मारुति डिजायर। डिजायर 5 सीटर सेडान कार है और ये गाड़ी भी पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में और दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जिसकी पावर 82 bhp की और गाड़ी के टायर का साइज बड़ा है, जो कि 15 इंचेस का है। गाड़ी की जो कीमत है वो है 5,89,000 रुपये से लेकर 8,80,000 रुपये तक की। मारुति विटारा ब्रेजा। ब्रेजा 5 सीटर SUV कार है। ये गाड़ी भी पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलने लग गई है और दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में ऑटोमेटिक और मैनुअल के। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि आपको सियाज में मिलता है, जिसकी पावर है 103 bhp की। गाड़ी के टायर का साइज है 16 इंचेस के। गाड़ी की जो कीमत है वो है 7,34,000 रुपये से लेकर 11,40,000 रुपये तक की। फिर आइए मारुति अल्टिगा। अल्टिगा एक 7 सीटर MUV कार है। ये गाड़ी भी पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलने लग गई है और दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इस गाड़ी में भी जो पेट्रोल वाला बड़ा इंजन मिलता है 1.5 लीटर है। ये मारुति का फिलहाल तो सबसे बड़ा इंजन यही है 1.5 लीटर, जिसकी पावर है 103 bhp की। गाड़ी के टायर का साइज है 15 इंचेस के और कीमत है 7,59,000 रुपये से लेकर 10,13,000 रुपये तक की। फिर आइए मारुति सियाज। सियाज एक 5 सीटर लेकिन बड़ी लंबी सेडान कार है। इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन, जो मैंने आपको पेट्रोल इंजन बताया है मारुति का, फिलहाल जो बड़ा इंजन चल रहा है 1.5 लीटर इसी कार में मिलता है। इसकी पावर है 103 bhp की और गाड़ी के टायर का साइज अच्छा है, जो कि 16 इंचेस का है। गाड़ी की जो कीमत है 8,31,000 रुपये से लेकर 11,09,000 रुपये तक की। अब आइए मारुति की सबसे मजबूत कार, जिसका नाम है मारुति एस्क्रॉस। जी हाँ, ये गाड़ी बीच में बंद भी हो गई थी क्योंकि डीजल इंजन बंद हो गया था, और ये गाड़ी अब 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च हुई है, जिसकी पावर है 103 bhp की और दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में ऑटोमेटिक और मैनुअल का। गाड़ी के टायर का साइज है 16 इंचेस का। गाड़ी की कीमत 8,39,000 रुपये से लेकर 12,39,000 रुपये तक की। फिर आइए मारुति XL6। XL6 एक 6 सीटर MUV कार है और इस वक्त मारुति की सबसे महंगी कार यही है। ये गाड़ी पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में और दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन, जिसकी पावर है 103 bhp की। गाड़ी के टायर का साइज है 15 इंचेस का। गाड़ी की जो कीमत है 9,84,000 रुपये से लेकर 11,51,000 रुपये तक की कीमत है। तो मारुति की ये सभी गाड़ियाँ इंडिया में मौजूद हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मारुति की इस वक्त सबसे बेहतरीन कार कौन सी लगती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।